बहुत टेस्टी है, इडली भी और चटनी भी। इसमें पायसम का रिव्यू ही कैसा है, साबुदाना और सेवियों से बना हुआ है। मिस्टर मेहता का भी राइस मील आ गया, थोड़ा टाइम लगा एक्चुअली, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इनको। बैठ के ही हम साउथ इंडियन खा रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वीरमा कालियामान टेम्पल लिटिल इंडिया। कुमाला विलास रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट सिंगापुर का सबसे पुराना इंडियन रेस्टोरेंट है। ये 1936 से है यहाँ पे, और जिस पहले ये कहीं और किसी और लोकेशन पे था, पर लिटिल इंडिया में ये 1947 में रीबिल्ट हुआ। तो अब हम लिटिल इंडिया वाले कुमाला विलास में आ गए हैं फॉर द लंच। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है। मैंने अपने लिए एक राइस इडली और एक अनियन उत्पम ऑर्डर किया है, और मिस्टर मेहता ने अपने लिए एक राइस मील ऑर्डर किया है, जिसमें हमको राइस मिल रहे हैं, 3 वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, दाल है, सांबर, कुलम्बू रसम, थायरू रायता, प्यासम, अपलम एंड पिकल। बहुत टेस्टी है, इडली भी और चटनी भी। आई विल गिव 9 out of 10। एक तो मुझे इडली खानी थी इसलिए, और टेस्टी भी बहुत है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी है। सांभर अच्छी है, कोई इमली नहीं है, बहुत पतली नहीं है, दाल का टेस्ट आ रहा है, बट ठीक है, सांभर है ठीक है, बट चटनी वाइट वाली बहुत अच्छी है। ये चटनी, दिस टोमेटो चटनी है, ये भी बहुत अच्छी है। सांभर मुझे ठीक ठीक लगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमली वाली सांभर ज़्यादा लाइक करती हूँ, पर ये दोनों चटनीज बहुत अच्छी हैं। इडली बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा अनियन उत्पम है, प्रॉपरली कुक्ड है, खूब सारा अनियन है, और कुछ जगहों पर अनियन उत्पम खाते हैं तो ऑयल से पूरा भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और पूरा जो बैटर है प्रॉपरली फर्मेंटेड है, प्रॉपर फर्मेंटेड बैटर है। अनियन उत्पम मतलब खूब सारा अनियन, उत्पम मतलब प्रॉपरली कुक्ड और कोई ऑयल नहीं, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया खा के। वंस अगेन 9 out of 10। मेरे बहुत ज़्यादा बार बार कहने पे कि टेस्टी है टेस्टी है, मिस्टर मेहता ने भी इसको टेस्ट किया, क्योंकि मैंने अपना राइस मील ऑर्डर किया हुआ है। हाँ राइस मील ऑर्डर किया है, पर टेस्ट तो करना चाहिए ना। अच्छा अब आप बताओ कि मेरा कहना सही था या गलत, टेस्ट करना बनता था ना, आपका रिव्यू दो। इंडियन साउथ इंडियन है, सिंगापुरी साउथ इंडियन नहीं है। अच्छा है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना सिंगापुरी टेस्ट एक वो आती है, फ्लेवर आता है सिंगापुर का। हाँ, हर चीज़ में भी, पर इस फूड में सिंगापुरी फ्लेवर नहीं आ रहा, प्योर इंडियन फ्लेवर आ रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इंडियन, इंडिया में बैठ के ही हम साउथ इंडियन खा रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम साउथ इंडिया में खा रहे हैं। जहाँ पे कल हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो एक पेक्यूलियर सिंगापुरियन स्मेल थी हर चीज़ में, यहाँ नहीं है वो 24 आवर था ना। हाँ, तो वो प्लस माइनस करते रहना पड़ेगा उन्हें, रात का खाना सुबह सुबह खाना रात में चलता रहेगा, फ्रेश नहीं मिलेगा। ये है मिस्टर मेहता का बिल्कुल पक्का फूडी वाला रिव्यू, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना एनालाइज अच्छे से कर लेते हैं। अभी इनका मील अभी तक नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें।
तो हम वेट कर रहे हैं राइस मील आने की। मिस्टर मेहता का भी राइस मील आ गया, थोड़ा टाइम लगा एक्चुअली, कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी इनको। प्रॉपर साउथ इंडियन की तरह मिस्टर मेहता इसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसमें अभी अगर राइस और लेने हो तो ले सकते हैं। पहले पूछते हैं कि खाया कैसा खाने में। अच्छा बहुत अवियल एंड दिस इज रसम, दिस इज पुडू करी, पूली करी एंड दिस इज अवियल। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने, दिस इज पोटैटो, ओके एंड दिस इज पैरसम। खाने में कैसा है सारा कुछ, ए बी सी एक्स वाई। मुझे नाम लेने नहीं आ रहे ना, मैं गलत नाम क्यों लूँ। एक कोई ये समझ आया रसम, एक ये सांबर, दिस इज पुडू करी, दिस इज पुडू करी, दिस इज अवियल करी है, सम सॉर्ट ऑफ करी है। हाँ ये कोई करी है ना, दे बेस्ड डोंट अचार आई थिंक सो। अच्छा देयर इज नो अचार। ओवरऑल फूड एक्सपीरियंस अच्छा है, टेस्ट पसंद आ रहा है ना। ये बहुत ही अच्छा है, हम लोग छोटी इलायची हर खाने में क्यों नहीं डालते साबुत, लिवर तो देगी ना वो। यहाँ पर किसी किसी में मतलब जो चीज़ हम शुरू से नहीं डाली नहीं डालो ना। ये जैसे इस करी में छोटी इलायची है, बहुत अच्छी लगी है। अच्छा मैं भी टेस्ट करूँ। खट्टी मीठी सी करी है इमली वाली, इसको तो मैं सांभर में भी ऐड कर सकती हूँ, उससे टेस्ट हो जाएगा। हमें राइस और चाहिए तो राइस और मिल जाएंगे, रिफिल हो सकता है। और ये $11 की एक थाली है, विच इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा नहीं है सिंगापुर में खाने के हिसाब से, जबकि एक रिफिल हो सकता है इसमें। Every bite you eat, you will have a different taste. This will happen when you eat South Indian food. तो बीच बीच में मैंने राइस मील भी खा रही हूँ, वो भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है राइस मील का भी मुझको। मैंने रसम पिया, वो भी बहुत टेस्टी है। मिस्टर मेहता बोल रहे हैं कि वो मीठा नहीं खाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ पायसम का रिव्यू ही कैसा है। ये साबुदाना और सेवियों से बना हुआ है और इसमें बहुत सारा मतलब मिल्क है, ये खूब सारी इलायची डली हुई है, ये सब मैं बॉईल करके, अच्छा खासा मीठा है ये, तो ये भी बहुत अच्छा है, जैसे हम इंडिया में खाते हैं ना वैसे ही टेस्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बड़े दिनों के बाद ऐसा खाना खाने में जिसमें सिंगापुर की स्वाई नहीं आ रही। हाँ सच में पक गए भाई हम, वो खाने में नहीं आनी चाहिए, उसमें वैसे ठीक है, मीठा ज़्यादा है ना। ओह फिर तो प्योर इंडियन है मीठा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे मीठा भी नहीं है ना, ऐसा लग रहा है मैंने जैसे जल्दी जल्दी में बना दिया ना मीठा ज़्यादा तो चुपके वो। तो खाना तो हो गया है पूरा, अब जा रहे हैं हम काउंटर पे दिल के लिए। खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने इंडियन हेरिटेज सेंटर में भी इन लोगों के काफ़ी सारे डिशेज देखे थे कि दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फूड सर्विंग रेस्टोरेंट, तो मेरे दिमाग में था ही कि हमें कोमला विलास में जाना है। मैंने इसको कोमला विलास पहले मेरे को लग रहा था नाम, बट इट इज़ कोमला विलास। अब हम जाते हैं और काउंटर पर जाके बात करते हैं कि कितना बिल आया, अगर होपफुली
हम उनसे भी आपकी बात करवा पाएँ। और ये बिलिंग काउंटर के बिल्कुल पास में एक और काउंटर उन्होंने लगाया हुआ है जहाँ पे वो ये स्वीट्स और ये कुछ पैकेज सांबर पूड़ी का पाउडर है ना, ये सब नकली है। अच्छा ये सब नकली है? हाँ ये तो डिस्प्ले के लिए है, मेरे को लगा ये सब वो सेल कर रहे हैं। नहीं पर नीचे है ये सेल कर रहे हैं। ये मुरुक्कू असली है, मुरुक्कू ये वाला। और ये नीचे है स्वीट्स, ये फॉर सेल है। ऊपर वो सब नकली है पर ये सब फॉर सेल है। पर अब अभी ये बिल देने की बारी। I don't have receipt. One rice meal and one idli and one uttapam. Onion uttapam. $19.50. Yeah, one rice meal, one idli, one onion. यहाँ पे हमारा $19.50 का बिल आया है। Ma'am, how old is this restaurant? 75. And do you have any other branch in Singapore? Yeah, have the nearby River Valley Road. River Valley Road. Yeah. Okay, one branch is there. Yeah. And this one is the oldest. Yeah, this is old, very very old. Okay. And here is our pan. How much is for the pan? $1. $1.22. $1. You want to eat pan? Yes, I want to eat pan also. This is the South Indian pan. And how much for this pan? $1. This pan is for $1. You are the owner, ma'am? I am worker. Long time worker. Long time worker. How old you have been working here? 22 years study. 22 years. So you are a sort of owner, ma'am? Because you are managing it. You have given so much time here. अपनी जुबां पर हिंदुस्तानी मसालों का स्वाद लिए मैं कोमला विलास से निकल तो पड़ी, पर अंतर मन में एक ही सवाल गूंज रहा था और वो था कि सिंगापुर जैसे देश में लिटिल इंडिया जैसा क्या कोई दूसरा भी क्षेत्र होगा। इंडियन हेरिटेज सेंटर में जाने के बाद लिटिल इंडिया और वहाँ के प्रवासियों के लिए मेरे मन में जो गर्व है मैं उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, पर हाँ उससे सीखने की ज़रूर कोशिश करूँगी। यह एक पारंपरिक खरीदारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है, जबकि इस क्षेत्र में मॉल और आधुनिक दुकानों की कमी है जो कि बाकी के सिंगापुर में भरमार में मिल जाएंगे, पर फिर भी लिटिल इंडिया का अपना एक सरल आकर्षण है। जैसा विस्मय लिटिल इंडिया ने मेरे अंतर मन में पैदा किया है, अगर ठीक उसी प्रकार का विस्मय इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी आया हो तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ ट्रैवलिंग फैमिली टीवी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके हमारे और लिटिल इंडिया दोनों के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाएं। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।